बात करते रहो, कथा बोलो, कथा बोलते थको। और कलकत्ता में भी कुछ नहीं मिलेगा, अभी घड़ी में 2:12। तो प्रशांत उनका इस रस्ते से आता है तो बहुत बुरा फंसेगा। तुम पास आए पीछे ढाबे पे करीब करीब हम लोग 1-1.5 घंटा बैठे रहे, मैगी वैगी खाया। अभी और कहीं पे नहीं रुकेंगे, सीधा धीरंग जाएंगे, फ्यूल रिफिल करेंगे गाड़ी में और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जाते। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, अभी हम लोग फिलहाल पेट्रोल पंप के तलाश में है क्योंकि ओवरनाइट गाड़ी चलाना है। बोमडिल और 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये जीरांग है सामने ही। अभी यहाँ पे सारा का सारा पेट्रोल पंप बंद हो चुका है और मेरे हिसाब से जो मेरा दिखा रहा है यहाँ से भैरवकुंड बॉर्डर दिखा है वहाँ से 170 किलोमीटर दूर, और मेरा गाड़ी लगभग 200-250 चला जाएगा अभी भी। घड़ी में अभी 12:10 और 301.2 किलोमीटर गाड़ी चला है हम लोगों ने। अभी शांतनुदा का थोड़ा आँख लग रहा है उसको, थोड़ा शरीर वो खराब लग रहा है उसको। चलो कलकत्ता जावे, कलकत्ता उसके बाद तो और कुछ मिलेगा भी नहीं जो है ये, और कुछ मिलता भी है तो कलकत्ता में मिल सकता है, और मगर कलकत्ता में भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी घड़ी में 2:12। तो पूरा कलकत्ता देखिए, पूरा कलकत्ता बंद है। हम लोग इस तरफ चले आए, इस तरफ यहाँ पूरा सब बंद है। अभी शांतन दौड़ा के कहाँ पे जा रहा है मालूम नहीं है क्योंकि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, सब बंद है, मतलब आगे भी बंद ही रहेगा। बेफिजूल जा रहा है ये, इससे अच्छा है कोई भी होटल में नॉक करके पूछता, पर वो पूछेगा नहीं, गाड़ी चलाता जा रहा है जैसे कि कोई खुला उसके लिए बैठा है। क्या हो तुम 2 बजे आ रहे हो तो मैं खुला हुआ हूँ। रात को अभी 2:45 बजने को है। शांतनुदा हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, उसको बार बार नींद। उसको मैंने बोला कि कलकत्ता में वहाँ पे आधा घंटा बैठ जाओ, मेरे पास कॉफ़ी है, कॉफ़ी मुँह में डाल के पानी से पी लो तो थोड़ा कैफीन इंटेक होगा, कैफीन जाएगा तो थोड़ा नींद वो छूटेगा। पर सुना नहीं, नहीं ठीक है चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे भाई देखना है हम लोग कब से गाड़ी चला रहे हैं, 22, 23, 24 में, 25 में। आ तो डांडिक दिए जे हो ना, सो जा रहा है शांतन अभी, सो जा रहा है। चला चलाते अब बात करते रहो, कथा बोलो, कथा बोलते थको। आस्ते 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 लवली, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, क्या बात है आज की चांदनी में, क्या बात है आज। अभी 4:30 बज रहा है और अभी सवेरा हो भी गया है पर शांतनुदा अभी भी नींद से नहीं जगा है। यहाँ पे पेड़ देखिए कैसे गिरा है, जिसको बीच में से काट दिया है ताकि गाड़ियाँ यहाँ से जा सके। आसमान का कलर देखिए बस, हाँ पीछे उस पहाड़ के पीछे कहीं पे शायद सनराइज हो रहा होगा, कोई होगा जो सनराइज का मजा ले रहा होगा। भारत में सबसे पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, और आप लोग कमेंट करके बताइए अरुणाचल का वो कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है भारत में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और 10 किलोमीटर बाद ख़त्म होगा अरुणाचल और आ जाएगा आसाम। वैसे ये बेचारा भी नींद में अभी भी आ रहा है, सोते तो सामने कोई होटल में जाके इसको रिफ्रेश होना है, उसके बाद ही ये जा पाएगा, नहीं तो 15-20 के ऊपर बंदे का स्पीड उठ ही नहीं रहा है।
पीछे चला गया अरुणाचल और ये है आसाम। लौट आते वक्त जब यहाँ से गए थे तो ये सब कुछ भी देख नहीं पाए थे, रास्ता थोड़ा डरावना भी लग रहा था कि इतना अंधेरा था। तो यहाँ पीछे पीछे एक होटल है, वहाँ पे शांतनु और मैं आया था। शांतनु को बोला कि डायरेक्ट निकल जाते हैं, वो बोला नहीं, तो तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा था तो वो आया। अभी वो रेस्ट कर रहा है थोड़ा सा, 8:30 और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ घर के लिए। अब लाइव लोकेशन मैंने डाल दिया है, शांतनु ना मुझे पकड़ ही लेगा, 390 ADV है। तो मैं थोड़ा धीमे धीमे जा रहा हूँ तो मैं पहले निकल जा रहा हूँ। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे सफ़र में, इस तरफ जाना है, घर इस तरफ है। स्टार्ट कर दिया है घर के लिए, यह आसाम। शांतनु अभी कुछ ही पल में निकल जाएगा होटल से। अभी मैप मैंने डाल दिया है, मैप में दिखा रहा है 1015 किलोमीटर पहुंचने में लगेगा घर तक, और कल सुबह 6 बजे मैं पहुंचूंगा। तो मैप के अनुसार यह है टाइमिंग, बस अभी देखना बाकी रहेगा। तभी अभी बारिश भी चालू हो गया है, यही बाकी था। अभी देखिए कैसे बादल गरज रहा है ऊपर। मैंने अभी GoPro को डाल दिया है वाटरप्रूफ वाले केस में, तो फिर से मेरा वॉइस आप लोगों को थोड़ा धीमा सुनाई देगा, और मैं भगा रहा हूँ काफी तेज, तो वॉइस सुनाई ना दे उसी का संभावना ज्यादा है। देखिए शायद मेरा आवाज धीमा आ रहा होगा, मैं सीख रहा हूँ इसलिए। आपका चाय भी बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा हम लोग के दार्जिलिंग की तरह। ये है बाल्टी रिवर, और पानी यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं है, पूरा सूखा है। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमको छुपा लूंगा, प्राण से छोला बरसाया है। अभी गूगल है कोई अंदर वाला रास्ते से लेके जा रहा है, पीछे ना इतना बड़ा बड़ा दो गड्ढा था, तो गिरा नहीं मैं। तो ये वाला रास्ता गूगल लेके जा रहा, मुझे मालूम नहीं है कौन सा वाला रास्ता है। देखिए भी मौसम का ऐसा हाल है यहाँ इस दुकान पे, मैं भी रुका हुआ हूँ। GoPro का बैटरी ख़त्म हो गया तो उसको बदलने के लिए, और बारिश कंटिन्यू चल रहा है तो चल रहा है। अभी मेरा वो टैंक बैग भी मॉइस्चर जमा हो गया है, जहाँ पे मैं फ़ोन लगा के मैप देख रहा था। अभी उसको साफ करना होगा, फिर फ़ोन लगाना होगा। वाओ, ये सामने देखिए, सामने का अच्छा खासा ट्रक है। तो अरे 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 चक्का स्केट कर रहा है। कल बहुत ध्यान दे रहा था मैं शांतनु दा को, आज भाई मैं आप खुद ही अपना रहा हूँ। पर शांतनु दा इस रास्ते से आता है तो बहुत बुरा फंसेगा, और अगर कोई दूसरा रास्ता लेता है तो ठीक है। सामने का पीछे का दोनों चक्का एक साथ में जब स्केट करता है तब आपका पैर ज़मीन पर जाता है और आप खुद को बचाते हो, और अगर पैर ना पहुँचता है तो आप गिरते हो। इधर एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, मालूम नहीं अंदर कितना स्लश होगा क्या होगा, निकाल लेना है बस जैसे भी करके। चलिए निकल गया। चलिए अब जाके बारिश थोड़ा कम हुआ है, और ये नज़ारा देखिए, खेती बाड़ी की ज़मीन है कितना दूर दूर तक, इधर भी है, और अभी पानी जम चुका है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन लग रहा है, वहाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। और अपडेट ये है कि शांतनु तो अभी भी नहीं निकला है होटल से, मालूम नहीं वो कब निकलेगा और कब पहुँचेगा। पीछे मैंने पूछा तो पता चला कि हाईवे और 3 किलोमीटर दूर है, और ये कौन सा वाला रास्ता है मुझे कुछ मालूम नहीं है, गूगल मुझे कहाँ से लेके जा रहा है। ये मैं आ गया नेशनल हाईवे से, अब गाड़ी पकड़ेगा रफ्तार। बारिश बस ख़त्म हो जाए तो मैं माइक वाइक लगा लूँ। इसका पहला टोल मेरा हाथ का, देखिए मेरा हाथ क्या हो गया है, लाल, और पूरा इसके अंदर पूरा भीगा हुआ है पूरा। मैं भी एक ग्लव्स खोल दूंगा, ग्लव्स खोल के मैं चलाने वाला हूँ अभी। मुंगई गांव और यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है। मैंने फिर से माइक एडप्टर लगा लिया है, तो आप लोगों को अभी मेरा वॉइस सुनाई देगा अच्छे से, और ये सैटेलाइट मोड ऑन क्यों हो गया, कैसे हो गया। आप एंटर्ड इनटू वेस्ट बंगाल। अभी मुझे पीछे देखा, कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था, ये रहा अलीपुरद्वार।
तो काफी अच्छा मैं स्टेज ले रहा हूँ। आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा पर दाएं तरफ उस तरफ पहाड़ है और वो जो पहाड़ है वो सब भूटान में है। यहाँ से भूटान ज्यादा दूर है भी नहीं। देखिए रास्ते के बीच में कितना बड़ा गड्ढा। अब इंसान कैसे समझेगा, इतना खूबसूरत रास्ता है, इतना अच्छा टारमैक है, अचानक से इतना बड़ा गड्ढा। कैसे कोई समझ सकता है कि हाँ ऐसे खूबसूरती के बीच में कोई आपके लिए मौत का जाल बिछा के रखा हो। इस बीच में मैं रुक के फोटो खींच रहा था। अब यकीन मानो मैं डर गया, ब्रिज ऐसा पूरा हिल रहा था। ये इस तरफ धूपगुड़ी स्टेशन था, बाएं ओर अंदर वो चला गया जलपाईगुड़ी शहर। तो फिलहाल लगभग मैं आ चुका हूँ घर के करीब और 550-600 किलोमीटर करीब राइड बाकी है, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा घर। तो आते वक्त भी यहाँ से मैंने फ्यूल लिया था गाड़ी में, अभी जाते वक्त भी ले लिया है। इस तरफ देख रहे हो आप, वहाँ से मैं आया था, उस तरफ था आसाम, इस तरफ वो फुलबाड़ी की ओर चला जाता है और ये बाएं वाला रास्ता चला जाता है सिलीगुड़ी की ओर माटीगढ़ा, जहाँ पे मैंने अपना बाइक का लास्ट टाइम सर्विस करवाया था। फिलहाल अभी तक 950 किलोमीटर लगभग राइड हुआ है कल से, कल सुबह 9 बजे से बुमला सेला उधर संजेस्टर सब लेके। खैर चलिए रिवर्स से जाना है, रुकना नहीं है, सीधा खड़ी पहुँचना है। आज में भी बज रहा है 4:52 और 2 मिनट पहले ही मैं निकला सिलीगुड़ी से, 4:50 पे मैं निकला सिलीगुड़ी से और अभी चल जाना है लगभग 560-565 किलोमीटर। धूप रहते रहते, सूरज रहते रहते जितना हो सके चला लेना है, 1 घंटा ही मिलेगा और शायद 100 किलोमीटर चला लेना है। बजने में 5 मिनट बाकी था तब मैं निकला था सिलीगुड़ी से, मतलब वो जो पेट्रोल पंप है सिलीगुड़ी से इस तरफ जो मोड़ था वहाँ से, और अभी 6 बज जाए, 1 घंटे में मैं इस्लामपुर पहुँच चुका हूँ, सॉरी 1 घंटे में मैं किशनगंज पहुँच चुका हूँ। ये देखिए सामने है किशनगंज, मेरी दाईं ओर है किशनगंज स्टेशन। ये रहा किशनगंज स्टेशन, छपरियों को देखिए, ये बोल रहा है कि रेस लगाने के लिए, मतलब मैं YouTube में ये सब देखता था इससे पहले कि बोलता है कि रेस लगाओ रेस लगाओ, आप उसके साथ रेस लगा देते थे, तो ये सब होता था, पहले देखता था मैं YouTube पे, पर सच में भी ये सब होता है ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। क्या तू जीत गया, मैं हार गया। मालदाबाद और 123 किलोमीटर दूर है, गाड़ी में बज रहा है मेरा 6:30। ये रहा डालखोला बाईपास, ये आ गया मैं रायगंज और पीछे एक दुकान से मैंने एक चश्मा खरीदा, वो मैं ढूंढ रहा था पीला वाला, पीला वाला चश्मा नहीं मिला तो ये सादा वाला ही खरीदा ताकि कुछ तो चलाने में सुविधा हो। और ये रायगंज शहर ख़त्म, अभी आगे से बस चालू हो जाएगा हाईवे। लास्ट टाइम जब मैं सांताक्रूज से लौट रहा था तब लगभग 3.5 घंटे में मैंने सिलीगुड़ी से मालदा आ गया था मैं, और इस बार भी वही सिलसिला बरकरार मैं रख पाया। तो ये है मालदा बाईपास सामने ही, बस मैं निकल जाऊंगा मालदा को स्किप करते हुए। फाराक्का रायगंज हाईवे अभी सामने ही होगा, है फाराक्का बैरेज, पर मैंने ज़िंदगी में कभी फाराक्का बैरेज का वीडियो नहीं किया है जितना मुझे याद है, क्योंकि बैराज ये सब इन सब का वीडियो करना ठीक नहीं है, ये देश के सुरक्षा का सवाल है इसमें भी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश का, फाराक्का बैराज जो है, सो ये सेंसिटिव है, इसलिए इसका कभी मैं वीडियो मैंने नहीं किया और आप लोग भी कभी कोशिश कीजिएगा ना करने का। घड़ी में बज रहा है अभी 9:23, मैंने
5 बजने में 5 मिनट बाकी था तब शुरू किया था फुलवाड़ी बाईपास का जो मोड़ है वहाँ से। तो और अभी मैं हूँ 9:23 में फड़क्का में, फड़क्का मैंने क्रॉस कर लिया है, फड़क्का जो बैरेज है। अब आगे फिर बहरमपुर में एंट्री करना है मुझे। मैं आ चुका हूँ बहरमपुर फड़क्का टोल में, बहुत एनर्जी बाकी है, बहुत जान बाकी है अभी भी मेरे में, कहाँ से आता है इतना एनर्जी है खुद भी मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे बूंद बूंद बारिश गिर रहा है, फिर से बारिश चालू हो गया है, देखिए फिर अभी बारिश गिर रहा है तो मैं गोपरों को अंदर रख दे रहा हूँ क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं भी गोपरों को नहीं लगाऊंगा, सीधे घर जाके बात करूंगा अपने से। चलिए गोपरों को डाल दिया ये मैं अंदर, अभी मैंने फिर से गोपरों लगाया है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, बारिश बंद हो गया और मैं बस कृष्णनगर पहुँचने ही वाला हूँ, मतलब कृष्णनगर मैं क्रॉस कर चुका हूँ, अभी आगे वो वाला रास्ता मुझे मिलेगा जहाँ से मैं लूँगा ओल्ड दिल्ली रोड के लिए और फिर सीधा अपने घर। आ गया हूँ मैं नवद्वीप ब्रिज पे और इस तरफ है नवद्वीप धाम। चलिए बहुत करीब मैं आ चुका हूँ मेरे घर के और थोड़ा सा बस उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा घर। देखिए इस तरफ नवद्वीप धाम है, शायद अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ही बेकार कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। फाइनली ओल्ड दिल्ली रोड ख़त्म, अभी ये से मैं जाऊंगा बाली, बाली से होते हुए शामवादर होते हुए मैं निकल जाऊंगा घर के लिए। 36 घंटा हो गया बाइक चलाते चलाते मेरा, कल से आज तक 36 घंटा। तो फाइनली अरुणाचल का ट्रिप ख़त्म होता है, मेरा घर बस और नज़दीक है और 2-3 किलोमीटर, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए सफ़र में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कर दो और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलो। तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन, एक नई शुरुआत, एक नए सफ़र के साथ।